चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 104 है। सत्यम नाम है, सत्यम जो है वो बिहार से हैं। तो सत्यम, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और सत्यम को NIT सूरत का अलॉट हुआ है। तो सत्यम, आपको इस रैंक के लिए और इस कॉलेज के लिए, दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सत्यम के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सत्यम ने फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की और ऑनलाइन प्रिपरेशन की। तो सत्यम, मैं जानना चाहूंगा, कई बच्चे, क्योंकि देखिए आज समय बड़ा बदल गया है, पहले बच्चे निकल नहीं पाते थे, कई लोग बेचारे इस वजह से कि हम कैसे पढ़ेंगे, पर अब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, कि आपने कब पहले तो MCA के लिए सोचा, फिर आपने ड्रॉप लिया, तो आपके मन में कोई डर था कि नहीं था, या क्या प्रेशर था, वो सब चीजें बच्चे, क्योंकि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं ना, कई बार वो घबराते हैं, तो वो सब चीजें जो जो आपने अपनी लाइफ में फेस की है और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन का, मैं चाहूंगा कि आप वो बताएं बच्चों को। सो हाय एवरीवन, आई एम सत्यमनंद फ्रॉम जहानाबाद बिहार। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन BCA फ्रॉम इम्पैक्ट कॉलेज पटना। सो मैंने प्रिपरेशन NIMCET का जुलाई 2020 में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से मेरा ड्रॉप ईयर का कारण यही रहा कि मतलब कि NIMCET के बारे में यहाँ पे लोग का जहानाबाद में उतना नहीं था कि पता कि NIMCET क्या होता है, MCA क्या करना रहता है। तो सर वीडियो कुछ YouTube पे देखे कि आगे MCA करना है तो पटना में कुछ कॉलेज पता किया, सरकारी प्राइवेट, तो MCA हो रहा था लेकिन उतना स्कोप नहीं था पटना में करने से। तो उसके बाद थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च किए और YouTube पे वीडियो देखे तो पता चला कि NIMCET एक एग्जाम होता है जिससे NIT में एडमिशन मिलता है। तो सर आपका वीडियो YouTube पे देखे, उसके बाद सोचे कि अब करना है, तैयारी करना है, तो मार्च होली के बाद सोचे कि कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन फिर लॉकडाउन का 2020 में स्थिति आ गया, तो उसके बाद से फिर सर डेट एक्सटेंड होता गया कि अगला मंथ लेंगे, अगले मंथ लेंगे। तो फिर ऐसे से जुलाई आ गया, तो 11 जुलाई 2020 को उसी दिन मैं आपका कोर्स परचेज किया था। तो उसी दिन से 2020 का, लेकिन एग्जाम का फॉर्म हमने फिल किया था 2020 का NIMCET का, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1680 के करीब थी। तो एग्जैक्ट तो यही तो फिगर था सर। तो उसके बाद से फिर सोचे कि 1600 आया है तो आगे भी और आ सकता है। और तीन मंथ का प्रिपरेशन थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्जाम था। तो फिर उसके बाद से ही मैथ पे ही फोकस लेके तैयारी की, और उसके बाद 2021 में NIMCET का एग्जाम दिए और रिजल्ट आए। अच्छा, आपने जब NIMCET का एग्जाम दिया, तो कई बच्चे क्या होता है, जैसे ड्रॉप लिए होते हैं तो एक माइंड में, कैसे इस बार कई बच्चों के साथ हुआ भी कि थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो ड्रॉप को लेके एक अच्छी बात आपने बोली कि जब आपके 1600 रैंक आई तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सच बात है, और हमें ही करना होता है, और आपने देखो कर दिखाया। और जब तक कंफ्यूजन था, जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, आपकी पढ़ाई एक रेगुलर हो गई, टेस्टिंग आपकी रेगुलर हो गई, तो आपको वहां कहीं उलझन नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब आप एग्जाम दे रहे थे जब भी, और एग्जाम बिटवीन वन ईयर जो आप प्रिपरेशन करते रहते, ड्रॉप को लेके कभी कोई आपको टेंशन हुई? ड्रॉप के लेकर शुरू में सर कुछ टेंशन था कि ड्रॉप लेंगे तो एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन मैथ 11 12th में था मैथ सब्जेक्ट, तो भरोसा था कि मैथ का सिलेबस देख के लगा कि मैथ निकाल लेंगे। और बाकी रीजनिंग और कंप्यूटर तो था कि रीजनिंग तो कॉमन पढ़ने वाला था, क्वांट का रहता है तो रीजनिंग पढ़ लिए तो हो जाएगा। तो मैथ का था तो मैथ का गारंटी था कि मगर मैथ बढ़िया से पढ़ लिए तो निकल जाएगा। अब कॉलेज का इतना नहीं पता था कि कितना रैंक आएगा, तो 100 में या 200 में आएगा कि नहीं आएगा। तो ड्रॉप ईयर का थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन उसको इग्नोर करते रहे कि नहीं, ड्रॉप का दिमाग में नहीं चलने देना है कि ड्रॉप है या नहीं है। सोचे कि हम न्यूली तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा समझे लास्ट ईयर के साथ प्रिपरेशन है, तो फिर उसी के चलते तैयारी किए और रैंक आए। अच्छा, आपका अपना ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कई बच्चे जब ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो उनके मन में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर ऑनलाइन पहले से ही तो माइंड में था कि ऑनलाइन ही पढ़ना है घर पे रहके, क्योंकि मतलब घर का मेरा था कि एक पर्सनल रूम मिल जाता था पढ़ने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं था और न कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। तो अपना पर्सनल रूम मिल गया था, तो आपका ऑनलाइन कोर्स परचेज किए तो एक डेली था क्लास करना, सुबह प्रतीक सर का और शाम का आपका क्लास था, तो डेली क्लास पे संडे का टेस्ट सीरीज उसके बाद देने का रहता था। तो टेस्ट सीरीज टाइम से ज्वाइनली होके टेस्ट सीरीज पहले टॉपिक वाइज टेस्ट ही रहता था, तो 1 आवर्स का वही देते थे। तो उसी के अनुसार सर मतलब टेस्ट आज तक 82 से एबव टेस्ट था, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो एक भी मिस नहीं किए थे टेस्ट। और टाइमली जो स्टार्ट होता था 2 आवर्स का बैठ के टेस्ट देना, उसके बाद एनालिसिस करना कि कितना गलत हुआ है कितना सही किए हैं। तो ऑनलाइन में था कि बैठने का
टाइम चाहिए कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिक्स इतना टाइम लेके आप पढ़ने बैठिए घर पे, नहीं तो आप दिक्कत रहता है कि कभी इस काम के लिए उठ गए कभी उस काम के लिए, घर का भी ढेर सारा काम हो जाता है। तो उसके लिए बोलिए कि नहीं इतना एक साल तक तैयारी करना है तो काम नहीं करना है, कुछ काम या अलग माइंड में फोकस कीजिए कि तैयारी नीमसेट को दे एक साल तो नीमसेट को दे। बहुत अच्छी बात बोली सत्यम आपने कि देखो क्या होता है कि आज से कुछ समय पहले मतलब 2-3 साल पहले जब तक इम्पीटस ने ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया था उसके पहले ये ऑप्शन ही नहीं था। हम लोग क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे भी चैलेंजेस होते हैं कि हॉस्टल में रहना है, फिर खाने से कंप्रोमाइज, कई बार और भी तरह की प्रॉब्लम होती है। पर जैसे आपने बोला आपके पास एक रूम था, आपने डिसाइड किया और देखो आपने पढ़ाई की। एक्चुअल में सारा कंसेप्ट इस बात का कि हम कितनी पढ़ाई करते हैं और कितने सेल्फ डिसिप्लिन लेते हैं। मैंने ये देखा है कि जो इम्पीटस गुरुकुल में जुड़ा हुआ बच्चा है वो ऑनलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ता है, और जिस बच्चे की बाई चांस ऑनलाइन में घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही होती है, घर में कई बार एटमॉस्फेयर या कमरा या डिस्टर्बेंस होता है, वही भोपाल आता है, नहीं तो बड़े आराम से वो घर पे पढ़ाई कर सकता है, और जैसा आपने भी किया तो ये मतलब काफी बड़ा अचीवमेंट है। तो ये एक अलग चीज है जो कि मैं मुझे लगता है कि ऑनलाइन रहते हुए भी देखिए कितनी अच्छी हमारे पास हमें प्लेटफॉर्म भी मिला और हमने अच्छे से प्रिपरेशन की। अच्छा आप उन सभी बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो कि इस साल ड्रॉप लेने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ड्रॉप लेने वाले के लिए तो माइंड में ही रहता है कि पहला ड्रॉप ऐसा सेकंड ड्रॉप बेकार ना जाए, तो ये दिमाग से हटा दें कि सेकंड ड्रॉप बेकार नहीं जाएगा, अगर आपको रैंक अच्छी आ जाती है तो ये ड्रॉप आगे बहुत लाइफ बनाने वाला ड्रॉप रहता है। तो इसके साथ है कि ड्रॉप लेने का दिमाग से हटा दें और मैथ पे ज्यादा फोकस करें कि 50 क्वेश्चन में एग्जाम में भी 40 प्लस हमको करके आना है अटेम्प्ट और राइट भी करके आना है, क्योंकि सर मेरा मेनली मैथ ही था क्योंकि रीजनिंग मेरा बहुत गलती हुआ और मैथ में 40 प्लस अटेम्प्ट किया और 40 प्लस राइट हुए थे। अरे वाह वेरी गुड, मैथ के लिए ही फोकस रहना है। बहुत अच्छी बात बोली सत्यम कि एक तो ये जो साल अपन जब ड्रॉप लेते हैं एक्चुअल में ये साल खराब नहीं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, ये एक आपने सही बात बोली। दूसरा ये कि आपने मैथ्स पे अच्छा फोकस किया और मैथ्स में आपके 40 प्लस करे थे आपने अटेम्प्ट और राइट भी हुए, इनफैक्ट अगर एलआर में आपके रॉन्ग ज्यादा नहीं होते तो आई थिंक आपकी रैंक जो 104 है वो कुछ और होती। 7th रॉन्ग हो गए थे, 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे एलआर में। 7 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि जो आपकी 104 है वो हो सकता था टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 में रैंक आ जाती। टोटल स्कोर कितना था आपका? कई बच्चे जानना चाहते हैं कि स्कोर कितना। 651 आउट ऑफ 1000। आउट ऑफ 1000, वेरी गुड सत्यम, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, सूरतकल में भी ऐसे ही अच्छा अच्छा नाम रोशन करिए, वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करो। और जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, मिसगाइड होते हैं, जिनको लगता है कि हम घर पर रह के नहीं पढ़ सकते या ऐसा ऐसा जो भी जिनकी प्रॉब्लम है, उनको जरूर गाइडेंस दें। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सर, और प्रत्येक सर को भी और पूरी इम्पीटस फैमिली को धन्यवाद। थैंक यू बेटा।